आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग। एन एंगल इज फॉर्मड व्हेन वी हैव पॉइंट ए इज 2 रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट, 2 लाइन सेगमेंट्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट, अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं। पॉइंट ए हमसे कह रहा है कि 2 रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट, ये चीज ट्रू हो सकती है बिकॉज अब अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें, देखिए दो रे जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, हमने बना दी दो रे, ठीक है, ये हो गई रे वन और ये हो गई रे टू। अब आप देखिए इसका कॉमन एंड पॉइंट ये हो सकता है, कॉमन एंड पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है टू लाइन सेगमेंट्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट, नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर हम कह सकते हैं इनकरेक्ट है, बिकॉज नो टू लाइन सेगमेंट्स, कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स में अगर कॉमन एंड पॉइंट हो गया तो वो कोइंसिडेंट होंगी, वो सेपरेट नहीं हो सकती है। तो नो टू लाइन सेगमेंट्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट्स, और अगर हैं तो वो कहलाती हैं को इंसिडेंट, मीन्स ओवरलैप या एक के ऊपर एक। अब हम लास्ट सी पॉइंट में आते हैं। सी पॉइंट इज सेइंग अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉल्स या इनकरेक्ट। पॉसिबल ही नहीं कि एक रे और एक लाइन सेगमेंट के कॉमन एंड पॉइंट हो। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसकी कि डेफिनेट लेंथ होती है, स्टार्टिंग पॉइंट का ही पता है, एंडिंग का ही पता है। तो लाइन सेगमेंट तो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और रे क्या होता है, जिसका एक डेफिनेट पॉइंट तो होता है लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। सो एक रे और एक लाइन सेगमेंट का कभी भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी दोनों इनकरेक्ट हैं, दोनों फॉल्स हैं। दिस इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।